आज हमारे पास पैशन 100 प्रो आई है जो 110 सीसी वाला मॉडल है, और इसकी सेल्फ के अंदर आपने हर बार देखा होगा कि इसका सेल्फ बहुत आवाज़ करता है, तो आपको हम इसके सेल्फ का साउंड सुनाते हैं। इस तरीके से इसका सेल्फ आवाज़ करता है, तो इसका आप साउंड सुन सकते हैं किसका सेल्फ किस तरीके से आवाज़ कर रहा है, तो ये किस कारण कर रहा है मैं आज आपको बताऊंगा, और इसका सलूशन क्या है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे हमने इसका मैग्नेट कवर ओपन करा है, और सेल्फ की वॉइस किस लिए इसके अंदर आती है मैं आज आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारा जो वन वे गियर है, ये आप देख सकते हैं कितनी चाल हो जाती है इसके अंदर, और ये जब आउट चलता है तो ये दांते घसा जाते हैं, और इसके दांते घसाने के बाद ये वॉइस करने लग जाता है। जैसे आप पास से देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने रेसेस आ चुके हैं, और इसकी वजह से इसका सेल्फ आवाज़ करने लग जाता है। तो कंपनी ने इसका भी सलूशन निकाला है, और जैसे कि मैं आज आपको बताऊंगा इस तरीके से। जैसे हमारा ये पहले वाला जो गियर था ये पतला था बहुत, और ये बहुत आसानी से कट जाता था, तो कंपनी ने इसे भी चेंज करा है और इसको हेवी कर दिया है, और इसके साथ साथ हमारा जो वन वे गियर है उसे भी हम चेंज करेंगे। और ये चार चीज़ों का किट आता है पूरा, जो हमें इस बाइक के अंदर जो 110 सीसी इंजन है, जैसे ये तीन बाइकों के अंदर ये 110 सीसी इंजन दिया है, उनके अंदर हम तीनों के अंदर ये चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसके गियर में भी बदलाव करा है। इसका गियर पहले इसके अंदर जो पिन आती थी वो इसके साथ आती थी, और इसके अंदर पिन अलग से दे दिए कि ये अंदर बाहर हो जाता है तो ये अपने ऑटोमेटिक ये चाल ले लेगा, क्योंकि ये जब रहता था तो ये घूम नहीं पाता था, और इसके अंदर इस तरीके की चाल रहती थी। और इसके साथ ये पिन दी गई है जो पहले इसके साथ इसके अंदर ही रहती थी, और अब ये बाहर से लगेगी। और ये चार चीज़ों का जो किट है वो हम चेंज करेंगे, और इसका पार्ट नंबर आपको हम एंड में वीडियो के एंड में दे देंगे। तो इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर मैं पूरा फिटिंग कर देता हूँ, और इसके सेल्फ का आपको साउंड सुनाऊंगा कि किस तरीके से इसका वर्क करने लग गया है, और जो पहले का साउंड था और अब के साउंड में कितना फ़र्क हो चुका है। इस बाइक का हमने सेल्फ इनो का किट को ओपन कर लिया है। जैसे आपको हम इसके अंदर चेंजेस दिखाते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। जैसे हमारा पहले जो सेल्फ का मुंह था वो बहुत पतला था, और हमारा जो अब का सेल्फ है वो बहुत हेवी है, और जो इस गियर के भी दांते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेवी है, और जो इस गियर के दांते हैं वो पतले हैं और ये बेंड हो जाते हैं। और इस बाइक के गियर जो हमारा किट है इसके दांते स्लिप नहीं मारेंगे और ना ही कटेंगे, और इस तरीके के ये गियर यहाँ फिट हो जाएगा। जो हमारा गियर है वो इस तरीके से हम आइलिंग करके इसको यहाँ लगा देंगे, और हमारी ये फिट हो जाएगी। उसके बाद हम फिट करके आपको इस बाइक को दिखाते हैं, ये इसके अंदर चेंजेस है दोनों सेल्फ के किट के अंदर। ये चार सामान का किट आएगा, और इसके अंदर पहले ये तीन सामान हम इसके बदलेंगे, क्योंकि ये इसके साथ अटैच आती है, ये निकलती नहीं है, और जो हमारी अब है ये इसके अंदर अटैच नहीं रहेगी और ये अलग से लगेगी। तो ये चेंजेस था दोनों किटों के अंदर, और इसका सेल्फ परफेक्टली वर्क करेगा और कभी आवाज़ क्रिएट नहीं करेगा और ना ही ये स्लिप मारेगा। हमने सेल्फ किट को फिटिंग कर दिया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। अब हम इसको आपको बाइक को स्टार्ट करके आपको हम सेल्फ का साउंड सुनाते हैं किस तरीके से इसका सेल्फ का साउंड हो चुका है। इस बाइक में हमने सेल्फ को फिटिंग कर दिया गया है, और इस बाइक का अब हम आपको सेल्फ का साउंड सुनाते हैं। इस तरीके से इसका सेल्फ का साउंड हो चुका है, आप सुन सकते हैं। इसका सेल्फ परफेक्टली वर्क कर रहा है, और आपको हम इस बाइक में जो सेल्फ का किट डाला उसका पार्ट नंबर बताते हैं। वैसे ये थोड़ा फट चुका है, इसका कीमत है 2550 रुपये, और इसका पार्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जिस भी बाइक में आपको इस तरीके की प्रॉब्लम दिखे तो आप ये सेल्फ का किट डाल सकते हैं।